अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत के साथ अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया है और चावल को मैंने बासमती चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। पानी को बॉईल होते ही इसमें मैं भिगोए हुए बासमती चावल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे जिसमें बादियान का फूल एक, 3 इलायची, 4 लौंग, काली मिर्च आधा टेबलस्पून, शाहजीरा आधा टेबलस्पून, दालचीनी 1 इंच और जावित्री 1 इंच। फ्रेंड्स, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालूंगी, 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से 10 मिनट कुक करूंगी। चावल को मैंने 10 मिनट के लिए पकने रख दिया है फ्रेंड, जब तक हम मसाला तैयार करते हैं। चलिए, मैंने कुछ वेजिटेबल्स को बॉईल किए हैं जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, फ्लावर और आलू और बीन्स, इनको मैंने सिर्फ एक बॉईल आए तक नमक और हल्का सा हल्दी डालकर बॉईल किया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। मसालों में मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, शाहजीरा, 3 तेज़पत्ता, छोटी इलायची, 4-5 लौंग, दालचीनी 3, आधा नींबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक पतीली लिया है, उसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 1.5, हम लोग तेज़ खाते हैं इसके लिए हम लोग ने 1.5 चम्मच मिर्ची डाला है, हरी मिर्च। चावल में भी नमक है इसलिए हम मसाले में सिर्फ 1 चम्मच नमक डालूँगी। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और ये सभी गरम मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी। लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, आधा कप जितना ऑयल, 1/4 का वेजिटेबल बिरयानी मसाला लिया है उसको आधा पैकेट इसमें मिलाएंगे। तली हुई प्याज 1 मुट्ठी, इन सब को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसी के पानी को हम 10 मिनट धो चुके हैं, अभी इसके अंदर हम चावल का पानी डालेंगे थोड़ा सा। 10 मिनट के बाद हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 1 पाव दही, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, चूल्हे पे मैंने मसाले को रख दिया है, चूल्हे को हम फास्ट रखेंगे
दो मिनट के लिए। बॉयल वेजीज को डाल देंगे। चावल हमारे थोड़ा गल चुके हैं फ्रेंड्स, चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। अभी 20% हम दम पे रख देंगे। फ्रेंड्स चावल को हम बिछा देंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स मैंने केसर लिया है, केसर में थोड़ा सा दूध डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी हम चावल पर बिछा देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास केसर ना हो तो आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर इसके ऊपर डाल सकते हो। फ्रेंड्स मैंने चूल्हे के नीचे तवे को रखकर चावल को दम दिया है 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे ऐसा करके। फ्रेंड्स बिरयानी की खुशबू से मेरे बच्चों को भूख लग गई है, बोलते मम्मी खाना दो। चलो अभी थोड़ी देर बाकी है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डाल सकते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने तवे पर 1 चम्मच घी डाला है और थोड़ा सा ऑयल, काजू को मैं हल्का सा भून लूँगी। काजू हमारे गोल्डन हो चुके हैं, इसी के अंदर में 1 पाव पनीर को रोस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स माशाल्लाह चावल की अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। अभी चूल्हे को हम बंद कर देंगे और देखो लीड हटा के माशाल्लाह माशाल्लाह। पनीर और काजू से हम गार्निश करेंगे फ्रेंड्स और सर्व करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अपने दोस्तों में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।